जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नर्सरी राइम्स ऐसे गीत हैं जिन्हें छोटे बच्चों का मन बहलाने के लिए गाया जाता है, लेकिन इनके पीछे की काली सच्चाई आप में से शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। आज इस वीडियो के दूसरे भाग में हम आपको कुछ और नर्सरी राइम्स से रूबरू करवाएंगे जिनके पीछे का काला सच जानकर आप दंग रह जाएंगे। बा बा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? यस सर, थ्री बैग्स फुल, वन फॉर द मास्टर एंड वन फॉर द डेम, वन फॉर द लिटिल बॉय हु लिव्स डाउन द लेन। ये कविता 13वीं सदी में यूरोप में अंग्रेजों द्वारा उनके नौकरों पर किए गए अत्याचारों को दर्शाती है। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में किंग एडवर्ड एक बहुत ही लालची और घमंडी राजा हुआ करता था। कहा तो ये भी जाता है कि उसने किसानों और मजदूरों पर भारी टैक्स लगा दिया था, जिससे उनका जीना बेहद मुश्किल हो चुका था और उनकी जिंदगी मौत से भी बदतरीन हो चुकी थी। कहा जाता है कि उस समय भेड़ों से निकाले जाने वाले ऊन को तीन हिस्सों में बांटा जाता था। पहला हिस्सा राजा का, दूसरा चर्च का और तीसरा हिस्सा, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वह किसानों को दे दिया जाता था। और ऐसे में ठंड के चलते अक्सर किसान अपनी जानें गवा बैठते थे। इस कविता की लाइन वन फॉर द लिटिल बॉय हु लिव्स डाउन द लेन से साफ पता चलता है कि उस समय किसानों और उनके बच्चों पर किस तरह से जुल्म किया जाता था। गोजी गोजी कैंडर, विदर शैल आई वांडर, अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स एंड इन माय लेडीज चैम्बर, देयर आई मेट एन ओल्ड मैन हु वुडंट से हिज प्रेयर्स, सो आई टुक हिम बाई हिज लेफ्ट लेग एंड थ्रू हिम डाउन द स्टेयर्स। कहा जाता है कि इस कविता का संबंध प्रोस्टिट्यूशन से है, जिसमें द लेडीज चैम्बर एक वैश्या औरत के कमरे को कहा गया है, लेकिन इस बात में कितना सच है ये अभी तक कोई नहीं जान पाया है। ऐसा भी माना जाता है कि इस कविता का संबंध इंग्लैंड में 16वीं सदी के उस दौर से है जब किंग हेनरी के राज में कैथोलिक पादरियों पर जुल्म किया जा रहा था और उनके खिलाफ बढ़ चढ़कर विरोध किए जा रहे थे। माना जाता है कि उन्हें अपनी लैटिन भाषा में प्रार्थना करने की सख्त मनाही थी, इसलिए वे किसी खुफिया जगह में छुपकर या फिर किसी रहम दिल इंसान के घर में जाकर लैटिन भाषा में प्रार्थना किया करते थे, और जब वे ऐसा करते हुए पकड़े जाते तो उन्हें और उनको पनाह देने वाले लोगों को बड़ी ही दर्दनाक मौत दी जाती थी। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। इस कविता में दो किरदार जैक और जिल की बात की गई है जो पहाड़ी पर चढ़कर पानी लाने जाते हैं, लेकिन जैक की पहाड़ से गिरने के बाद मौत हो जाती है और बाद में जिल का भी यही हश्र होता है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में इस कविता का संबंध फ्रांस के राजा लुईस 16 और उसकी पत्नी मैरी एंटोनी से है, जिन्हें यहाँ पर जैक एंड जिल कहा गया है। किंग लुईस 16 और उसकी पत्नी मैरी एंटोनी अपने नौकरों पर हद से ज्यादा जुल्म किया करते थे, जिसके बाद उन दोनों को एक दर्दनाक मौत दी गई। इस कविता की लाइन्स जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन, जिल केम टम्बलिंग आफ्टर के मुताबिक साल 1793 में किंग लुईस को गिलोटिन द्वारा सिर काटकर सजाए मौत दी गई, और कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी क्वीन मैरी एंटोनी के साथ भी यही हुआ। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस कविता को इन दोनों की मौत से करीब 16 साल पहले लिखा गया था, जिस कारण ये मान्यता इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय रही है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि किंग लुईस और उसकी पत्नी द्वारा लोगों पर अत्याचार किए जाने से लोग बेहद परेशान हो चुके थे, जिसके चलते उन्होंने इन दोनों को मारने की साजिश 16 साल पहले ही बना ली हो।